देखो यह कितना सुंदर बन गया है। मेरा बेहतर है 3D सोनिक। हाँ हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनो, तुम वाकई बहुत अच्छा कर रही हो। मेरे पास एक आइडिया है, चलो चुनौती के लिए चलते हैं। हाँ, हम कहाँ हैं? चुनौती में आपका स्वागत है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, यह मजेदार होने वाला है। तुम्हें पता है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे? मैं अभी दिखाती हूँ, इस छोटे से ग्रे फ्लफी बच्चे के साथ। कितना प्यारा। हमें वाकई बहुत कोशिश करनी होगी, क्योंकि मैं पक्का ऐसे प्यारे दोस्त को मना नहीं कर सकती। सबसे पहले मुझे पैन पर बॉर्डर बनाना है। मैं इसे ग्रे पैनकेक मिक्स से बनाऊंगी। यह यहाँ बिल्कुल फिट होगा। बहुत अच्छा, तुमने ग्रे कहा। मुझे इस बारे में सोचना होगा। अरे तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे बिना सब कुछ कर लूंगी। सबसे पहले मुझे कागज पर एक स्केच बनाना है। मैं एक बहुत ही स्टाइलिश बिल्ली का सिर बनाऊंगी। जब स्केच तैयार हो जाए तो मैं ड्राइंग शुरू कर सकती हूँ। इसके लिए मेरे पास मेरा फेवरेट 3D पेन है। इसके बाद साधारण स्टेशनरी से ड्राइंग करना बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। वाह, मुझे स्केच की कॉन्टूर बनानी होगी, फिर फूल जोड़ने होंगे, मुंह पर कुछ डिटेल्स रंगने होंगे और नाक और कानों को भी गुलाबी रंग से हाईलाइट करना होगा। यह बहुत अच्छा दिख रहा है। खैर, अब समय आ गया कि मैं पैनकेक में भी कुछ रंग डालूं। यहाँ थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। हो गया। तुम्हें यह बिल्ली का चेहरा कैसा लग गया? सैंडी, इसे देखो, मुझे लगता है कि यह बहुत प्यारा है। यह वाकई प्यारा है। मैं भी जल्दी अपना पैनकेक बना लूंगी। मुझे बस बेस कलर भरना है। ताड़ा! तुम्हें बिल्ली कैसी लगी? नैंसी, तुम्हारी बिल्ली मेरी बिल्ली के करीब भी नहीं है। यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है, सोनिक यह तय करेगी। मुझे वाकई सब कुछ पसंद है, लेकिन सैंडी की बिल्ली ज्यादा प्यारी है। उसने पूरी बिल्ली बनाई, सिर्फ चेहरा नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरे पास एक छोटा सा प्यारा दोस्त है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, लड़कियों, मैं कुछ लाऊंगी। ओहो, वह क्या हो रहा है? यह वीडियो गेम से एक टेडी बियर है। टेडी बियर? बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। इस बार मैं एक असली मिनी फिगर बनाने की कोशिश करने जा रही हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे बेस के रूप में कागज की बॉल्स की जरूरत होगी। पेन काम करने के लिए तैयार है। शुरू करने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं एक्सेसरीज बनाऊंगी, फिर एक बो और एक टोपी। मुझे लगता है कि इसके बाद सोनिक असली और नकली खिलौने के बीच अंतर भी नहीं बता पाएगी। वाह, अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम बेस पर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मुझे कागज की जरूरत होगी। ये एक बेहतरीन बेस के रूप में काम करेगा। हाँ, यह अच्छा बन रहा है। वाओ, अच्छा है। और मेरे लिए पैनकेक बनाना शुरू करने का समय आ गया है। इसके लिए मुझे स्टडी के डिटेल्स को सटीक रूप से देखने की जरूरत है। मैं चेहरा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे डर है कि पूरा भालू मेरे फ्राइंग पैन में फिट नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम चेहरा जितना संभव हो उतना अच्छा होगा। मैं थोड़ा रंग भी भरूंगी, सफेद, नीला और थोड़ा गुलाबी रंग। अरे नहीं, वो जिंदा है, या कोई खिलौना नहीं है, वो मुझे खाना चाहता है। मुझे अकेला छोड़ दो, बकवास करना बंद करो। और वैसे भी तुम मुझे मेरी मूर्ति बनाने से रोक रही हो। यह लगभग तैयार है। हाँ, सैंडी कहाँ है? तुम क्या कर रही हो? टेबल के नीचे से निकलो, बाहर आओ। मैं बिल्कुल
नहीं चाहती, ये बहुत डरावना है। चलो अपना पैनकेक बनाते रहो, हमारे पास बहुत कम समय है। हाँ तुम सही कर रही हो, मुझे अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी होगी। वाह, बस यह तैयार है, बस थोड़े डिटेल्स बचे हुए हैं। कोई बात नहीं, तो जब तुम वहाँ डरी हुई थी तब मैंने पहले एक पूरी मूर्ति बना ली है, अब बस सभी भागों को जोड़ना बाकी है। सैंडी तुम्हें यह कैसा लग रहा है? मुझे तो लगता है बहुत मस्त बना है। हाँ तुम सही कह रही हो, और मेरा उतना नहीं। ठीक है, मैं अपने लिए डरावना टेडी बियर चाहती भी नहीं हूँ। वाव नैन्सी ये बहुत मस्त है, खिलौना अब तुम्हारा है। वाव देखो टेडी बियर कितना प्यारा है। तुमने देखा ये हिल रहा है, चलो भागो। लड़कियों इस बार पुरस्कार बड़ा होगा, ये एक साइकिल है, तुम में से कोई इसे एक ही जीत सकता है। वाह मुझे ये जरूर जीतना है। 3D पेन से बनी साइकिल किसी भी मामले में एक साधारण पैनकेक से कहीं ज्यादा शानदार होती। मेरे पहिए तैयार है। हाँ बस थोड़े काम अभी बाकी हैं। ऐसे इधर, और अब यह तैयार है। यह गंध कहाँ से आ रही है? यह बहुत स्वादिष्ट गंध है। सैंडी तुमने कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाया है क्या? शायद मैं इन पहियों को खा सकती हूँ। चलो हटो यहाँ से पेटू, मैं जीतना चाहती हूँ। वैसे मेरी बाइक लगभग तैयार है, देखो अब बस मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। ओह वो कितनी लालची है, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे पक्का एक पैनकेक चुराना चाहिए। ये अच्छा है कि मेरे पास एक 3D पैन है जिसे मैं कुछ भी बना सकती हूँ, यहाँ तक कि एक बड़ा काटा भी। इसके साथ मैं सैंडी से ये स्वादिष्ट पैनकेक चुरा सकती हूँ। बस बस यह। अरे सब कहाँ चला गया? तुम क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ओह मुझे माफ कर दो। ओह वैसे भी हमारे पास समय नहीं है। हाँ हाँ चलो चलो तुम्हारे फ्रेम और मेरे पहियों को जोड़ते हैं, बढ़िया आइडिया है। मुझे यकीन नहीं है कि यह संभव है, लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक बनाया जाए। मुझे बस बाइक को अलग करना होगा। नैन्सी को पहिए मिलेंगे और सैंडी को बेस। ओह यह थोड़ा अजीब रिजल्ट था। ठीक है मैं बिना पहियों के सवारी करूंगी। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ पहियों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? उफ नहीं। सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी मजेदार चुनौतियों को मिस न करें। ये और भी मजेदार होगा, इसलिए हमारे साथ बने रहें।